हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस इमेज ऑफ सेम मैग्निफिकेशन टू व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट टू डिस्टेंसेस x1 एंड x2 फ्रॉम द लेंस। द रेशियो ऑफ x1 एंड x2 इज। तो देखिए, इस केस में क्या हो सकता है कि देखिए, सबसे पहली बात तो अपन बोल सकते हैं, अगर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज f अपॉन f प्लस u। ये फॉर्मूला होगा। अब देखिए, डिफरेंट डिस्टेंसेज हैं x1 और x2, दोनों पर बात कीजिए। x1 जो है वो ज्यादा है किससे, x2 से। तो अगर मान लीजिए एक बार जो मैग्निफिकेशन है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, ठीक है। अब रियल और यहाँ पर क्या होगा, वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट बनेगा इनसे के ऊपर, है ना। तो फर्स्ट केस में अगर मान लीजिए इमेज इज रियल, अगर रियल होगी तो इस केस में क्या होगा, हम मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं दैट इज -2। -2 हो गया तो यहाँ पर जगह f अपॉन f प्लस यू, ये हमने फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पर जगह -2f -2u इक्वल टू हो जाएगा f, इट मीन्स यहाँ हो गया 3f इक्वल टू -2। तो मतलब u का वैल्यू हो गया मेरे पास में 3f/2। नेगेटिव में आंसर है, नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर से, ठीक है। और सेकेंड अगर मान लीजिए इफ इमेज इज रियल ऑब्जेक्ट को, उसको वर्चुअल मान लिया हम लोग, if image is virtual, तो इस केस में क्या होगा, हम +2 ले लेंगे, m इक्वल टू क्या हो जाएगा +2 का होता तो f अपॉन +2। तो यहाँ पर अगर पुट करें तो ये जगह 2f plus u equal to f. ठीक है, इसका मतलब अगर यहां से देखें 2u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -f हो गया, ठीक है, और u इक्वल टू हो गया -f/2। तो माइनस आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर भी अगर चापन चाहे तो माइनस साइन रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है x1 हो गया और ये इस कंडीशन में क्या है, x2 है, ठीक है। तो दोनों केस हम देखे थे, यहाँ पर f/2 है, यहाँ पर 3f/2 ज्यादा है, ऑब्वियस बात है। देन द रेशियो ऑफ x1 by x2 अगर देखेंगे हम लोग, x1 का वैल्यू कितना है 3f/2 और इसका वैल्यू हो गया f/2। तो अगर रेशियो देखें दैट इज 3/1, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा 3:1। तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।